हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं नई यूट्यूब चैनल मसाले डैक पर। तो दोस्तों, आज के शो में आप सभी के लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूं, इस प्रोडक्ट की मदद से आप अपने नॉन स्मार्ट टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये एक एंड्रॉयड बॉक्स टीवी है और इसकी मदद से आप अपने किसी भी नॉन स्मार्ट टीवी को, जिसमें दोस्तों HDMI पोर्ट होता है, उसको दोस्तों आप स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में दोस्तों आपको ऐसे ऐसे फीचर देखने को मिल जाएंगे जो आपको महंगे महंगे स्मार्ट टीवी में भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये दोस्तों हमारे पास Banggood.com की तरफ से आया है और इसका प्राइस तकरीबन 2400 रुपए के आसपास है, यानी 2500 रुपए से नीचे ये प्रोडक्ट आप सभी को पड़ जाएगा। लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप इस प्रोडक्ट को जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या सामान देखने को मिल जाएगा, क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगी और साथ ही में इसे अपने टीवी के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रहा वो बॉक्स जिसकी मदद से आप अपने किसी भी नॉन स्मार्ट टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं इस बॉक्स के अंदर आप सभी को क्या सब सामान देखने को मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों इसे हम अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि मेरे पास एक नॉन स्मार्ट टीवी है, और जानेंगे कि किस तरीके से इस बॉक्स की मदद से आप अपने टीवी को फुल्ली स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे दोस्तों मैं साइड में कर देता हूँ, और ये जो है मुझे इस बॉक्स के साथ नहीं मिला है, ये मेरे पास पहले से था, तो यहाँ पर मैं इसे साइड में कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसकी कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर आप सभी को एंड्रॉयड बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो इसे मैं साइड में कर देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बॉक्स के नीचे आप सभी को काफ़ी सारा सामान देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक HDMI केबल देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसे भी साइड में कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पावर अडेप्टर देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी मैं साइड में कर देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक स्मार्ट रिमोट भी देखने को मिल जाता है, तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर आप सभी को एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, तो इसे मैं बॉक्स के अंदर ही छोड़ देता हूँ। और इस बॉक्स को हम कर लेते हैं साइड में और बात करते हैं इन प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है, ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास Banggood.com की तरफ से आया है और ये जो है आप सभी को 2400 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो पावर अडेप्टर है, यहां पर आप देख सकते हैं चाइना वाला, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को ये वाला अडेप्टर खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको 10 से 20 रुपए का मिल जाएगा। मुझे ये 10 रुपए का पड़ा है, इसे मैंने अपने घर के पास के स्टोर से खरीदा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे इंडियन वाला बना सकते हैं और अपने किसी भी सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया क्वालिटी का बनाया गया है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं HDMI केबल की। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो HDMI केबल है इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार है। जी हां दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार है, यहां पर मैं साइड में कर देता हूं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप सभी को एक स्मार्ट रिमोट भी देखने को मिल जाता है, काफी हल्का सा है, पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक उतना शानदार नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बढ़िया यहां पर इसकी फिनिशिंग दी गई है। इसे दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड बॉक्स के साथ काफी आसानी से यूज कर सकते हैं, और यहां पर आपको एक स्मार्ट माउस भी देखने को मिल जाता है, तो इसे मैं साइड में कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपने एंड्रॉयड बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एंड्रॉयड बॉक्स, काफी ज्यादा छोटा है, इसे दोस्तों अपने हाथ में काफी आसानी से पकड़ सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा छोटा है। दोस्तों इसमें आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, साथ ही में दोस्तों यूट्यूब पर 4K तक की वीडियो को प्ले कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाएगा, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.0 देखने को मिल जाएगा। इसमें जो प्रोसेसर का यूज किया गया है उसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा फास्ट है, काफी अच्छी तरीके से ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इसमें आपको कौन कौन से पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको गौर से दिखाना चाहूंगा, यहां पर आपको 4 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जहां पर दोस्तों ये जो HDMI वाला पोर्ट है, साथ ही में दोस्तों ये जो पावर पोर्ट है, यही दो पोर्ट इंपॉर्टेंट है इस बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आपको कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं, यहां पर आपको माइक्रो SD कार्ड पोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहां पर आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक आपको 3.0 पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलता। पीछे की साइड दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप सभी को हीट जनरेट करने के लिए यहां पर जाली बनी हुई है, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर रैम 4GB लिखी गई है और यहां पर रोम 32GB लिखा गया है। साथ ही में दोस्तों यहां पर जो एंड्रॉइड वर्जन है वो 9.0 है। चलिए दोस्तों इस बॉक्स को हम अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और जानते हैं इसमें आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारी सेटिंग कर ली है, सारे केबल वगैरह कनेक्ट कर लिया है और अपने टीवी को भी ऑन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड बॉक्स को आप अपने टीवी के साथ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जो आपके टीवी का रिमोट है ना, उस रिमोट में आप सभी को सोर्स का बटन दिख जाएगा या फिर मेन्यू का बटन नजर आ जाएगा, तो आप सभी को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सभी को अपने टीवी में यहाँ पर ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जिस भी HDMI पोर्ट में अपने एंड्रॉइड बॉक्स को यहाँ पर चूज कराए उसे दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने HDMI 1 में चूज करा था, तो यहाँ पर मैं HDMI 1 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने HDMI 1 को चूज करा तो यहाँ पर हमारे सामने जो एंड्रॉइड बॉक्स का इंटरफेस है वो आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सिंपल सा इंटरफेस है, कोई भी इसे काफी आसानी से समझ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड बॉक्स को आप अपने टीवी के साथ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को अपने एंड्रॉइड बॉक्स को यूज करने के लिए आप सभी को अपने एंड्रॉइड बॉक्स का जो रिमोट है उसे हाथ में ले लेना है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप सभी को सेटिंग में चले जाना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग पे ओके कर देना है। और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप अपने फोन के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके फोन में जो वाईफाई हॉटस्पॉट होता है ना उसके साथ भी आप अपने एंड्रॉइड बॉक्स को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से सेटिंग वगैरह कर लिया, कनेक्ट वगैरह कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप सभी को कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आपको YouTube देखने को मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको ब्राउजर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको माई एप्स भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को माई फाइल्स भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही माई एप्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी को पहले से काफी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। इसमें दोस्तों मैंने माई जियो टीवी भी इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैं जियो टीवी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें जियो टीवी भी पूरी अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने जो जियो टीवी है ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर काफी आसानी से आप अपने जियो टीवी का मजा उठा सकते हैं और आप सभी को D2H वगैरह का रिचार्ज वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों इसके मैं और भी फीचर के बारे में आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेन्यू में आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों आप यूट्यूब का भी मजा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यूट्यूब के ऊपर क्लिक कर दिया और हमारे टीवी में यहाँ पर यूट्यूब प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे टीवी में यहाँ पर जो यूट्यूब है वो भी ओपन हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप यूट्यूब में 4K तक की वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4K वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को इसका रेजोल्यूशन चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं मोर में जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 4K को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी के सामने 4K का ऑप्शन दिया गया है। और जैसे ही दोस्तों मैं 4K को चूज करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने ये जो वीडियो है 4K में प्ले होनी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा गजब है। तो दोस्तों काफी बढ़िया एंड्रॉइड बॉक्स है, इसकी मदद से आप पूरा एंड्रॉइड का मजा आप अपने टीवी पे उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके मैं आपको नेक्स्ट फीचर वगैरह के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं हम बैक और यहाँ पर चलते हैं हम मेन्यू में। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाएगा, यानी गूगल प्ले स्टोर में आपको जितनी भी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी ना उन सारी एप्लीकेशन का मजा दोस्तों यहाँ पर आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारी यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं, मूवीज का मजा उठा सकते हैं, एप्लीकेशन का मजा उठा सकते हैं। तो काफी बढ़िया तरीके से दोस्तों आप इस एंड्रॉइड बॉक्स की मदद से पूरा एंड्रॉइड आप अपने टीवी में चला सकते हैं। तो दोस्तों मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को भी एंड्रॉइड बॉक्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।